नमस्कार आप सभी को। स्क्रीन पर आप नरोत्तम मिश्रा जी को बोलते हुए देख रहे हैं। ये हैं गृह मंत्री जो है मध्य प्रदेश शासन के। इन्होंने अब से कुछ ही देर पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है कि मध्य प्रदेश का जो व्यापम था, जिसका पहले नाम बदलकर पीबी हुआ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, अब उसका एक और नया नाम बदल दिया गया है। मतलब अब तीसरी बार इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम हो गया है कर्मचारी चयन बोर्ड, मतलब सिलेक्शन, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का नाम कर दिया गया है। और अब सारी के सारे एग्जामिनेशन यही लेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड और जो है अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। इसका मतलब ये होगा कि अब जो परीक्षाएं हैं उसकी जवाबदेही सरकार पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पहले तो वो ये कह देती थी कि भाई व्यापम नहीं करा पा रहा है, या व्यापम से उन्होंने कहा है, हमारी बातचीत चल रही है, इस तरह के जो ढकोसले होते थे, अब वो जरूर नहीं कर पाएगी। जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो सीधी सरकार से प्रभावित होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस तो इस समय कम से कम चेंज नहीं होगा। हालांकि हो सकता है कुछ एक सब्जेक्ट का हम देख सकें कि सिलेबस में भी अब जो परंपरागत सिलेबस है उसमें भी फेरबदल संभव है। तो सारे सब्जेक्टों को अब ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि अब चूंकि जब बोर्ड चेंज होता है तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें देखने ज़रूर मिलता है। ये वीडियो आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ, इसके साथ ही और भी कोई क्वेश्चन हो तो इसका एक डिटेल वीडियो भी हम कर लेंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप ये वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें शासकीय सेवकों, पेंशनरों, शिक्षक संवर्ग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सबकों, स्थायी कर्मी को देय महंगाई भत्ता राहत दर का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 1 अक्टूबर 2021 का, उसका आज अनुसमर्थन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। अब ये जीएडी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। इसी तरह से आज महत्वपूर्ण निर्णयों में हमारे यहां पर जो तकनीकी शिक्षा विभाग है, खेल विभाग है, उनके भी काफी निर्णय आज हुए हैं। फराज खान जो घुड़सवार हैं हमारे 19वें एशियन गेम के, उनकी प्रशिक्षण की और तैयारी के लिए 50 लाख रुपए आज फराज खान को देने का, विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए देने का तय किया है। तकनीकी शिक्षा विभाग और कौशल विभाग में बड़वा विकासखंड जिला खरगोन में नवीन आईटीआई की स्थापना और उसके लिए प्रशासकीय 19 पद और 11 पदों का सृजन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसी तरह से अनूपपुर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की जो एक नवीन संकाय का 8 और वित्तीय पद सृजन का भी आज मंजूर दी गई है। 488.03 लाख की भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तकनीकी शिक्षा विभाग का ही रोजगार निर्माण बोर्ड में उपाध्यक्ष के पद को अशासकीय व्यक्ति को दिए जाने का आज तय किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज महाविंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर में 2 नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए पद, शैक्षणिक 24 पदों के लिए, सहायक अमले के 14 पदों के लिए मंजूरी और 349.40 लाख रुपए की भी स्वीकृति आज प्रदान की है। इसी विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में से 10 से 30 वर्ष पूर्व समय समय पर आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों के 181 पदों को स्वीकृति आज दी है। आज एक प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने के लिए जो प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति आज कैबिनेट के लिए दी गई है, जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको लिए जाने का प्रस्ताव पारित करके भेजा है केंद्र को। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और मध्य प्रदेश के विकास में ग्रोथ का इंजन साबित होगा जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है।
बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आज मध्य प्रदेश के सड़क विकास निगम के अंतर्गत 17 मार्गों पर यूजर फी कलेक्शन, उपभोक्ता टोल शुल्क लेने की भी सहमति दी है। इसमें सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही लिया जाएगा, ये जो प्राइवेट वाहन है, कार, जीप वगैरह, इनसे नहीं लिया जाएगा, ये छूट रहेंगे। एमपी स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन योजना 2022 का भी आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदन किया गया है, और नर्मदा निवारण प्राधिकरण की जो उसकी है, उसकी एक वर्ष की संपदा नीति को बढ़ाने का भी आज तय किया है। लो,